चिन्ननंद की बातों को किसी ने गलत समझ लिया है ना। क्या होता है जो मारता है उसको लेके जाते हैं। तो उन्होंने गलत समझ लिया, बोला अभी मत जा, अभी तेरी बहुत उम्र है। गलत समझ लिया। चलते हैं हम पानी पीने, जो कि ठंडा ठंडा पानी है यहाँ का। चलते हैं, सबको प्यास लग गई है। ए मम्मी, मैं गिर गई थी, आराम से चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता बग्गा, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह की करीब 8:30 बजे से, और हम जा रहे हैं लकड़ी के लिए। देख सकते हैं आप जो है ही हमारे साथ रात और दिन, भाई भी तो ही जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और मिलाते हैं आप लोगों को बहुत दिन बाद जंगल से। तो देख, लक्ष्मीनंद की बातों को किसी ने गलत समझ लिया है ना। तो जहाँ हम लकड़ी के लिए जा रहे हैं वहाँ का नाम है मूड़खुंड, और वहाँ ना क्या होता है जो मारता है उसको लेके जाते हैं। तो उन्होंने गलत समझ लिया, बोला अभी मत जा, अभी तेरी बहुत उम्र है। गलत समझ लिया। तो लक्ष्मीनंद बोली मैं लकड़ी के लिए जा रही हूँ, बोला गलत मत समझ लेके जा रहे अपने साथ मूड़खुंड के घर में। तो देखिए दोस्तों, इनका ये फूल है ना, कब का तोड़ दिया था, और अपने बॉयफ्रेंड को लेके जा रही है जंगल में, बुला रखा आज बॉयफ्रेंड। बालू है बोला हमारा बॉयफ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया आजकल बारिश के कारण, और यहाँ पे किसी का, तो देखो ये इनका बॉयफ्रेंड, तो उन्होंने फूल रख दिए है वहाँ पर, तो सब लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम पानी पीने, जो कि ठंडा ठंडा पानी है यहाँ का। चलते हैं, सबसे आगे लगी है लक्ष्मीनंद, और लकड़ी करने से पहले ना बहुत प्यास लग गई है हमें। तो देखिए सबको प्यास लग गई है, एक भी नहीं ऐसा जिसे प्यास नहीं लगी होगी। तो इस तरह से कुआं होता है पहाड़ में, तो ऐसे करके पानी पीना पड़ता है। और इनको देखो लकड़ी करने स्टार्ट हो गए हैं, इनका भारी शरीर है लकड़ी पे, हरा भरा जंगल। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोकेशन में, जहाँ की लकड़ी करनी है। तो चलो चलते हैं। ए मम्मी, मैं गिर गई थी, आराम से चलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो कुछ इस तरह से ऊपर को चढ़ना है, और बहुत टप होता है दोस्तों पहाड़ों में चलना, क्योंकि यहाँ पे ना आग भी लगी है पिछली बार की, मेरे ख्याल पिछली बार की मतलब 10-12 दिन पहले आग लगी थी, और इसलिए है ना यहाँ पे ना बहुत पिसल रही है। और देखो लग गए हैं लकड़ी करने, और मैं भी लगती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों हो गई है लकड़ियाँ भी, और अब चलते हैं हम बाहरी लगाते हैं, और चलते हैं घर को। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को बाहरी लगाना कि कैसे कैसे लगा रहे हैं सब बारह, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों लगा दी है मैंने बाहरी वगैरह भी, और ये मेरी बाहरी, और ये लगाई है मैंने सासू जी की बाहरी, और लक्ष्मीनंद और मेरी ननंद की वहाँ पर। तो अब थोड़ा इसे रख लेते हैं पातिन वगैरह फीट पे, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। लग के रेडी है हमारी बारी, और चलते हैं जो कि सीधा लगी है पहाड़ी स्टाइल में, देख सकते हैं आप, और हमारी पहाड़ी स्टाइल भारी। तो ये देखो अपनी बारी लगा रही हैं, टाइम भी ना मिल गया, 12 बज गए हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं आप घर की ओर, मिलते हैं आपको आधा रास्ते में। तो देखे कांची ननंद की भारी, देखो मेरी, और ये लोग अभी उठाने।
तो दोस्तों पहुंच गए हम अपने पानी वाले गदेरे में और अब चलते हैं हम पानी पीने, क्योंकि सब ने नीचे रख लिया है। लचिन आनंद को ना सर दर्द हो रहा, तो चलते हैं पानी पीते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था और इसलिए थकान हो रही थी और तो नहीं कर पाई कंटिन्यू ब्लॉगिंग। तो आई मैं और सीधा मुँह हाथ धुला और खाना पीना खाया और उसके बाद सीधे सोने चली गई थी और सोने से उठी और उसके बाद तो होता ही है घर का काम। तो आज करेंगे कंटिन्यू ब्लॉगिंग भी और ब्लॉग एंड भी। तो चलो, आराध्या खा रही है भात एंड दूध के साथ। तो पहाड़ों के बच्चे ना ऐसे ही खाते हैं कटोरी में और दूध के साथ भात और बिना चम्मच चुम्मच के खा लेते हैं ना आदू, है ना आदू? खा रही है मेरे आदू खाना भी शाम के 4 बजे, क्योंकि मैंने उसे नहलाया और सीधा सो गई थी, है ना आदू? हमारी तैयारी हो गई है अभी, मतलब हम धारा तक पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं आज आड़े फूकने, मतलब आड़े जलाने। तो चलते हैं मेरी ननद और मैं, तो हमें ना डर भी लग रही है कहीं आग ना लगे, तो चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम यहाँ, जाके हमने आड़ा फूकना था, मतलब आड़ा जलाना था। और देखिए आड़े से लगाए हमने आग, तो यहाँ का आड़ा तो जला दिया है और यहाँ का बच्चा है तो यहाँ पर लगा रही हैं। दोस्तों यहाँ के आड़े तो हमने जला दिए हैं, अब चलते हैं उधर की साइड। और उधर की साइड है 2-4 आड़े, तो उन्हें भी जला देते हैं और उसके बाद मैं बांध डालना है मैंने, तो थोड़ी बहुत बांध लेके जाऊंगी। और मैं आ रखी हूँ नीचे अपने घर के नीचे की साइड और बांध लेके जाना है ऊपर चढ़ाई। तो चलते हैं देखते हैं, पहले आड़े उड़े जला लेते हैं और उसके बाद बांध डालते हैं। मेरी ननद अभी वहाँ पर है क्योंकि मैंने आग लगाई थी और उसे बुझा रही है। तो देखिए नरसिंह देवता का पेड़ कैसे हो गया आजकल हरा भरा सा। और एक ये है नरसिंह देवता का पेड़, मतलब पुराना वाला तो यही है जो बड़ा है और नया वाला तो नीचे। और हमें ना जैसे कि आड़ा जला लिया है और उसके बाद ऐसे एक पत्ते वाले जेड़े से ऐसे करके इसे बुझाना है, आग ना लगे कहीं, तो ऐसे बुझा कर जाना पड़ता है मेरा। तो दोस्तों आड़े जला जला के पहुंच गए हम सीधा घर, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बारिश में हम फटाफट भागे। और देखिए बारिश हो रही है और मैंने बांध भी डाला, उसके बाद बांध भी लाया, तो बारिश हुई और हम सीधा बने भागने वाले। तो पसंद पूरे बाल भी हो गए। तो दोस्तों आ रहे तो लगे हैं अपने गाने सुनने पे, तो अभी यहाँ पर आ गई क्योंकि गाना चेंज करना है, बोला गाना चेंज करना है ना, इसलिए आ गई यहाँ पर। तो चल मैं करती हूँ, भैत आप चलते हैं हम, मेरी ननद कांची और मैं चलती हूँ अब आड़े चलाने, जबकि हमने जाना है नीचे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको वहाँ पर जाके नीचे। चलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता बग्याल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।